अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। तो आज का जी नाश्ता अम्मी के हाथ का पराठा चाय अंडा खा पी के, तो अब बस जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। आपको पता है फिर वन एंड ओनली पेनी काफी है कॉलेज के लिए, तो लगता है बारिश हुई है, गाड़ी गीली गीली सी है। कोई बात नहीं, पेन नीचे गिर गया, हमारा इतना महंगा पेन है ये, तो कोई बात नहीं, बारिश रोज का काम है। मेलबर्न में कोई वेदर का पता नहीं होता, कब बारिश हो जाए, कब धूप आ जाए, कब तूफान आ जाए, तो इसलिए अब आधी हो चुके हैं। तो बस अभी देख लो निकलने लगे हैं, लग जा भाई। तो बस पहले लेट हो गया, कॉलेज जाके आपसे मिलते, फिर अगली बात वहीं पे जाया करते हैं। तो बड़े ने कोई सुबह सुबह के टाइम में तो निकलो ना, जब भी 8-9 बजे, तो बड़े कोई खूबसूरत सा मौसम हुआ होता है, कोई मतलब राशि नहीं होता, कोई शोर वगैरह नहीं होता, तो देख सकते हो आप बहुत ही प्यारा प्यारा होता है वेदर, मतलब धूप इतनी नहीं होती, ऊपर से आसमान में बादल होते हैं, तो जो टच आता है ना बड़ा ही कमाल का आता है, ये आप देख सकते हो। तो बस अब कॉलेज की तरफ निकल पड़े हैं, तो पहले लेट हो रहा है, रेलवे क्रॉसिंग बंद है। ओ भाई गुजर जाओ, जल्दी गुजर जा, टाइम नहीं है, पहले बड़ा लेट हो गया हूँ, इतना स्लो स्लो जा रहा है ये ना, यहीं पे स्टेशन है साथ ही, पता ही होगा, बल्कि जो पहले वीडियो देखते ना, मैं यहीं से जाता होता था, इसी ट्रेन पे जाता होता था, ये भी सिटी जा रही है, तो इसी पे डेली जाता होता था, हैरा वो वक्त चले गए। लो जी कॉलेज खत्म कर रहे हैं, बस असाइनमेंट देनी होती है, आपको पता ही है, जाते हैं थोड़ी देर, एक या डेढ़ घंटा लेक्चर होता है, मतलब सर एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हमें वो पेपर पढ़ा देते हैं, तो वो यही समझ लो आधे घंटे की डेढ़ घंटे की जो भी क्लास होती है वो समझाते हैं उसमें, और फिर उसके बाद हमें वही सवालों को जवाब देने होते हैं, तकरीबन 20 सवाल होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं और मिनिमम 15 को होते हैं, तो उसके दरमियान में सवाल जब होते हैं वो करके लेके आ जाते हैं, वहीं पर चेक हो जाते हैं, वहीं पर रिजल्ट निकला था, हाँ जी पास हो फेल हो, तो वो तो हो गया, तो अभी बस आ गए घर वाली सड़क पर। तो अभी क्या, अभी जाना है बालों का कुछ करने, मतलब कि जाते हैं दुकान पे, पता करते हैं कि हाँ जी भाई अगर तो स्ट्रेटनिंग होती है तो फिर वो करवाते, कटिंग नहीं तो कटिंग करवा के आते, तो फिर वैसे ये घर आ गया, तो बस अभी फिर वहीं पे जाके ना, तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या फाइनल किया मैंने, क्या हुआ है। तो भाई बाहर ना ठंड हो रही है, तो कोट उतार देते हैं, तो जाके पता करते हैं, अगर तो कटिंग हुई ना सिर्फ जस्ट कटिंग, तो वो तो अभी हो जाएगी, मतलब उसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, अगर स्ट्रेटनिंग के लिए मैं गया तो फिर जाहिर है वो पूरी एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि ओबियसली मुझे आज तो मिलेगी नहीं, उसमें टाइम लगता है, और फिर वो 3-4 दिन बाद की मिलेगी, मतलब कि वेनसडे जो भी दिन आएगा तब की मुझे मिल जाएगी, जो भी अवेलेबल होगा, तो ये चेंज कर लेते, क्योंकि ठंड हो रही है, हवा चल रही है बाहर, आप देख सकते हो, ठीक है, पत्ते से हिल रहे हैं, मौसम वैसे ठंडा है, तो ये मैंने इधर रखी हुई थी अपनी, मतलब वैसे सुखा रहा, धूप थी अभी चली गई है, तो बस ये पहन के निकलता हूँ, फिर मैं फिर जाके पता करके आता हूँ। कटिंग का जहाज देख रहा हूँ यार, समझा करो, कटिंग का मूड हो तो कटिंग करवा लेंगे, स्ट्रेटिंग की फिर अपॉइंटमेंट लेके आ जाएंगे, वहीं पे जाकर देखते हैं क्या उनके पास ऑप्शन है क्या नहीं है, तो फिर हम अपने ऑप्शन को बता देंगे। तो बस यार चलते हैं फिर दुकान पे, बस दुकान खुली हो और कुछ नहीं, गाड़ी की भी सफाई होने वाली है, गाड़ी बहुत गंदी हुई है, मतलब बाहर से तो फिर भी हालत ठीक नजर आती है, लेकिन अंदर से मैंने ना वैक्यूम कुछ भी नहीं किया ना सफाई किया, तो वो भी करते हैं किसी ने, और इसका ये हाथ कौन सा लेफ्ट होता है राइट होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट इंडिकेटर भी इसका खराब है, वो भी सही करवाना है, तो देखते हैं अगर तो हुआ तो वहीं भी चले जाएंगे, वहीं से करवा के आते हैं, नहीं तो कल करवा लें, कोई बात नहीं। तो बस अब निकलते हैं, फिर सीट बेल्ट लगा लें, तो फिर चलते हैं यार शॉप, सैटरडे को सारी शॉप्स बंद ही होती हैं यार, यूजली संडे तो बस टोटली अपना सैटरडे हाफ डे होता है इनका, मतलब जल्दी बंद होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कोई खुली मिल जाए यार, कुछ ना कुछ हो ही जाए, वरना चुप करके किसी शॉप से कटिंग करवा के आ जाएंगे, बात खत्म। तो आज रात को ना हमने जाना है, जो कंपनी के ओनर हैं, जो बॉस हैं, तो उन्होंने डिनर पर बुलाया हुआ सभी को, जितने भी हम उधर काम करते हैं, ज़्यादा नहीं है काम करने वाले, मतलब 7-8 ही आई थिंक, हाँ, तो वो सभी को बुलाया हुआ है, तो वहाँ पे जाएंगे आज रात का, चलो कहीं ना कहीं का प्लान तो बन गया ना, वरना यूजली ये होता है कि यार सैटरडे को क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद करने को कुछ नहीं होता, तो बस यहाँ सो के गुजार दिए या बस मोबाइल चला के गुजार दिया, तो आज रात को फिर वहाँ पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे जाए क्या शुगर मेला लगता है, बाकी अभी तो है जहाँ पे जा रहा है वही काम करते जाके, पहला बंद, दूसरा भी बंद, जितनी भी शॉप थी 3-4-5-6 जितनी भी थी इसके अलावा मैं चेक की थी वो भी बंद है, तो अब बंदा करे क्या, अब ये चुपर के सामने गाड़ी खड़ी है, चुपर घर के चलो, घर को ही चलना बनता है अब यार, अब किसी नहीं करना पड़ेगा, फोन पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यार वो क्या करते हैं ना, वो बुलाते हैं, वो कहते हैं आपको एक दफा आना पड़ेगा, तो मसला भी यही है ना, चलो कोई नहीं किसी दिन आ जाएंगे, इतना सीरियस मैटर है नहीं जितना दिन ब दिन बनता जा रहा है, कोई बात नहीं, भूख लगी हुई थी सोचा कुछ खा लें, तो मैंने सोचा बाहर से खाते हैं, वैसे भी घर वाले घर नहीं है, वो कहीं गए हैं, जब मैं आया था तो तभी वो नहीं थे इधर, तो HSP लेते हैं, शॉप सामने ही है, यहाँ पर गाड़ी करते हैं पार्क, HSP का मज़ा आता, मैं यूजली बाहर से वही खाता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता, तो ये सामने शॉप है,
तो गाड़ी करते हैं बंद, तो वहां से लेके आते हैं फिर खाते हैं। यार मैं ना एक बात बताता हूँ आपको, सीरियस वाली बात, मतलब कि काफी आप देख रहे हो मेरी वीडियोस आना बंद ही हो गया, तकरीबन वीक में एक ही आ रही है, वो भी नहीं आ रही ऐसा कुछ। तो क्या है ना कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहा होता है, चलो वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब मैं दिखा दूँ आपको, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए जो भी है। पर यकीन जानो इतने मुझे मैसेज आते, इतने मैसेज आते हैं ये नहीं भाई आप बनाओ, मैं उनको रिप्लाई हर सबको करता हूँ मैं, तो मैं उनको बोलता हूँ यार मेरे पास होता नहीं कुछ, कहते नहीं नहीं यार जो आप नॉर्मली कर रहे होते हो बस वही दिखा दो हमें। तो मैंने कहा अच्छा यार ऐसा क्या है, तो बस वो बोल रहे नहीं अच्छा लगता चलता। इवन कमेंट भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी लोग जो होते हैं ना वो ये बोलते हैं भाई आप वीडियो बनाओ यार, आप रेगुलर बनाओ रेगुलर बनाओ। तो मेरे यही है यार चलो अगर मैं कुछ बना रहा तो कुछ ना कुछ उसमें हो ऐसा वैसा, पर नहीं वो कह रहे नहीं हमें अच्छा लगता है बनाओ बनाओ बनाओ। तो अच्छा लगता है फिर जब आपको अच्छा लगता है ऐसा, तो फिर मुझे और अच्छा लगता है कि चलो यार ठीक है अगर इनको अच्छा लग रहा है तो फिर मैंने वीडियो तो आप लोगों के लिए बनानी है। ऑब्वियसली अगर वीडियो बना रहे हो तो अपने लिए थोड़ी ना बना रहे हो, प्राइवेट थोड़ी अपलोड करो, पब्लिक कर रहे हो तो पब्लिक को जो चीज़ पसंद है तो फिर वो तो बनानी पड़ेगी ना। तो मैं ट्राई करता हूँ फिर ऐसी, आप अगर आपको डेली पसंद है तो डेली की बना दूंगा, मुझे क्या। जी भैया आगे हमारी HSP घर जाने का वेट कौन करे, इधर ही बैठ के खाते हैं भाई स्पून से। तो जी इसमें चिकन बारबेक्यू सॉस, नीचे है फ्राइज और बीच में चीज़ है, तो बस फिर खा के आप लोगों से मिलते हैं। बस आप लोग देख के गुजारा करो यार, अब आप लोग हो नहीं पास जो मैं आपको सुलह मारूं, ठीक है दूर दूर से मार सको सुलह खाने जिसने आ जाओ भाई। तो बस यार अब घर जा रहे हैं और रात 8 बजने का वेट कर रहे हैं, तो 8 बजे मैंने निकलना है, 8 बजे पहुंचे ना वहाँ पे तो मतलब 7 बजे मैं निकल पड़ूंगा यहाँ से, तकरीबन अभी 2.5 घंटे हैं, अभी 4:30 हो रहे हैं। तो बॉस ने सभी को बुलाया जितने भी हम लोग काम करते हैं, ज़्यादा नहीं है, पहले मैंने बताया 6-7-8 जितने भी हैं, तो वहाँ सब वहीं पर जाकर मिलेंगे तो फिर इंजॉय करेंगे। बस अभी के लिए फिलहाल ये घर चलते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं जाके, इंस्टाग्राम लाइव अगर मूड हुआ तो करते हैं, बाकी जाकर घर जाकर रेस्ट ही करते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। चलो जी फाइनली रात हो ही गई है, तो मतलब निकलने का टाइम हो ही गया है, तो निकलते हैं। तो जैकेट भी पहन लिया और ये भी ले लिया मैंने साथ में, डिपेंड करता है वेदर पे, वेदर अभी बताऊँ ना तो ठंड सही वाली हो रही है, मतलब फील हो रही है, इसमें गुजारा नहीं होने वाला, तो ये रख लेता हूँ गाड़ी में, अगर जरूरत हुई तो पहन लूँगा, नहीं तो जो पहना हुआ ये भी पहन लेंगे कोई मसला नहीं। तो निकलते हैं अब गाड़ी में रखते हैं, हल्की हल्की बारिश के कटरे गिर रहे हैं, हल्के हल्के से महसूस हो रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं जितना होता है ना वैसे नहीं, हल्के हल्के से शायद, ये देखो हाँ स्क्रीन में नज़र आ रही है ना। तो बस अब निकलते हैं, फिर पहले मैंने जाना है पहले उठाना है एक लड़के को, लड़का वही यार जो पिछली वीडियो में हमारा जो उस्ताद है, वो वाकई में उस्ताद है, वो नहीं कि मैं वीडियो में कह रहा था, वो रियली उस्ताद है हमारा काम पर भी और वैसे भी, बड़ा भी हमसे यार वो लड़का संदीप भाई हमारे। तो पहले संदीप भाई को वहाँ से पिक करना उनके घर से, क्योंकि उनके घर रास्ते में आता, फिर हम वहीं से सीधा जाएंगे जहाँ पे बुलाया उन्होंने, तो फिर उनको अब जाके उनको पिक करते हैं तो फिर आगे निकलते हैं। तो मैं ये इसको गाड़ी में रख लूँ फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो चलो यार ये स्क्रीन पर निशान आए हैं इसके, जब मैं वीडियो बनानी होती है ना सामने से तो फिर मैं ये इधर लगा लेता, तो ये नज़र आ रहा है हल्के हल्के से, ये भी साफ़ कर दूंगा मैं। तो अभी ठीक है 35 मिनट की ड्राइव है, ये हमारे उस्ताद का ड्रेस है ये देख लो, 22 अरिका स्ट्रीट स्प्रिंगवेल, मैं कहता हूँ जाओ जाके ना उस्ताद को किडनैप कर लो जाके बस, ठीक है ना। तो बस अब चलते हैं, 35-34 मिनट की ड्राइव है, 37 किलोमीटर है, तो टोटल आई थिंक जो हमने आगे भी इससे जाना, आगे भी 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पता नहीं कितना है, यहाँ पे चलते हैं निकलते हैं। सो लेट्स गो, बस भाई 35 मिनट की ड्राइव है तो फिर निकलते हैं सीधा उस्ताद को जाके उठाते हैं घर से इसके। तो जी ये हमारे उस्ताद है मोहतरम, उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप, यार लाइट आपने बंद कर दी, हमने आपको दिखाना उस्ताद जी जुल्फे, ओए 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 जाना तुम्हारे साथ ही है सारी, किस गाल से शर्मा शर्मी किस गाल से, इधर देखो जरा इधर 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 इधर, ओए 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 जी बहुत नाजुक सूरत हाल। चलो यार बस इनको उठा लिए, हमारे उस्ताद जी हैं पता तो है ही आपको, रिसेंट वीडियो में लोगों ने बहुत प्यार दिखाया इनको, और लाइट तो चलाओ भी बात कर रहा हूँ यार। उस्ताद जी की है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू उस्ताद जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो जी उतर के आ गए रेस्टोरेंट के पास, आधे बंदे आ गए आधे मिल गए, हम भी आ गए, और ये देखो हमारी दुल्हन काली जुल्फों वाली, हाय इधर तो आओ यार, बंदा बहुत शर्मा रहा है, ये हमारा उस्ताद है काम पे भी। वैसे भी अब आपको पता हमारे उस्ताद जी शादीशुदा है, इनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और कितनी एज आपकी? मेरी 32 34 है, 2 साल कटा की लगना, 32 33 उस्ताद की 32 एज है। तो बस ठीक है अभी कोई 3-4 मिनट की वॉक है, सामने जाना है, पार्किंग ही नहीं थी सामने, देखो कितना रश लगा हुआ था, अभी भी मिल गई पार्किंग पीछे तो खड़ी कर रहे हैं, अभी जाकर आपको बाकियों से मिलवाते हैं, तो बस फिर वहीं पे उन्हीं से जाकर मिलते हैं। Happy birthday!
चलो जी इंजॉय करके आ गए सभी लोग हल्ले गुल्ले में। यार इतना कोई वीडियो बनाई नहीं मैंने, कहा चलो यार इनके साथ मिलकर इंजॉय करते हैं, क्या वीडियो बनानी है मतलब उस ना करके। तो फिर यू नो टाइम गुजर गया ऐसे पता नहीं लगा, वापस आज के तकरीबन 12 बज रहे हैं, 7-8 बजे निकला था घर से, देख रहे हो अब फुल अंधेरा, कोई भी नहीं है इस टाइम नहीं हूँ। तो बस ही सामने घर घर चलते हैं। अब आज की वीडियो आई थिंक छोटी होगी लेकिन ठीक है, जैसी भी है बना दी हमने। तो बाकी वीडियो कल देखते हैं, पता नहीं है क्या क्या खुल गया यार। तो बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं सुबह आपको मतलब नई वीडियो में कल जाके। तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।